एकादशी और भगवान कृष्ण का क्या महत्व है? एकादशी एक संस्कृत का शब्द है जो संस्कृत में 11 के लिए उपयोग होता है। एकादशी कब आती है? हर महीने के 11वां दिन वैदिक लूनर कैलेंडर के अनुसार, जबकि हर महीने के 2 एकादशी होती है। पहली एकादशी महीने की शुरुआत में होती है जब चांद अपने पूर्ण आकार की और अग्रसर होता है, इसीलिए इसे पूर्णिमा का चांद भी कहते हैं। और दूसरी एकादशी इसके विपरीत जब चांद अमावस्या के चांद की ओर अग्रसर होता है, जिसकी वजह से इसे अमावस्या का चांद भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भाग्यशाली टोटके में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और भाग्यशाली टोटके आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुंचाते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एकादशी की कहानी क्या है या एकादशी के पीछे की कहानी क्या थी? ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि एकादशी का एक देवता का नाम है जो भगवान विष्णु में से प्रकट हुए थे और जिसका एक ही मकसद था, दैमामुरा को हराना। उनके दिव्य कार्य से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, जो भी आज के दिन एकादशी का व्रत करेगा उसे इसके फल स्वरूप हर पाप से मुक्ति मिल जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। एक साल में 24 तरह की अलग अलग एकादशी होती है, पुत्रदा एकादशी, शातिला एकादशी, जाया एकादशी, विजया एकादशी, अमाल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वारुथिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशानी एकादशी, कामिका एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तन एकादशी, इंदिरा एकादशी, पसम कुसा एकादशी, रामा एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, उत्पन्न एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफल एकादशी और हरिभोगिनी एकादशी। एकादशी का उपवास नियम क्या है? एकादशी के दिन सूरज उगने से लेकर सूरज छिपने तक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। इसके साथ साथ व्रत के दिन पानी भी पीना मना है, लेकिन कई बार अनिवार्य परिस्थिति के कारण व्रत रखना मुमकिन नहीं हो पाता। इसलिए ऐसी दशा में आप एकादशी से पहले वाले दिन या फिर अगले दिन एकादशी फास्ट रख सकते हैं। हालांकि ऐसी अवस्था में व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। एकादशी पर क्या खाना और क्या नहीं खाना। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल खाने से बचना चाहिए और उबाली हुई सब्जी भी नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा अनाज और मांसाहारी खाना भी नहीं खाना चाहिए। अब जानते हैं एकादशी में क्या खाना चाहिए। सभी फल, ड्राई फ्रूट से बने तेल, नारियल, जैतून आदि, आलू, मीठे आलू, कद्दू, खीरा, मूली, स्क्वैश, नींबू, एवोकेडो, जैतून, नारियल, चीनी, काली मिर्च, ताजा नमक और ताजी हल्दी। एकादशी के महत्व क्या है और क्या एकादशी एक शुभ दिन है? एकादशी एक बहुत शुभ दिन है। कृष्ण भगवान के लिए अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करने के लिए भगवान कृष्ण ने इस दिन अपने रूप को एकादशी देवी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, दैमामुरा का वध करने के लिए। इसीलिए भगवान कृष्ण को मुरारी भी कहा जाता है। इस दिन कृष्ण भगवान के भक्त अपने प्रभु के लिए व्रत रखते हैं और अनाज का भी इस दिन त्याग करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण से ज्यादा अलग नहीं है, उन्होंने अपनी माँ सच्ची देवी से कहा कि इस दिन अनाज का त्याग करके व्रत रखें, क्योंकि इस दिन दुनिया का हर पापा अनाज में अपने रहने का स्थान बना लेता है। इसीलिए भगवान के भक्त इस दिन अनाज का त्याग करते हैं। एकादशी दिन पर क्या करना है या इस दिन को कैसा मनाया जाता है? अगर आपको अब तक भगवान कृष्ण और उनके मंदिर का दर्शन करने का मौका नहीं मिला है, तो ये बहुत शुभ दिन उनके भव्य रूप के दर्शन करना चाहिए। हम इस दिन अपने प्रभु के लिए कीर्तन, भजन और जप कर सकते हैं। एकादशी व्रत का नियम क्या कहता है? बुनियादी नियम कहता है कि एकादशी के दिन सूरज उगने से लेकर सूरज छिपने तक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन सूरज उगने और छिपने का समय तो प्रतिदिन अलग अलग होता है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, एकादशी के दिन विष्णु भगवान के भक्त और विशेष रूप से वैष्णव समाज के लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। ये उपवास एकादशी के दिन सूरज उगने से लेकर अगले दिन के सूरज उगने तक रखा जाता है और व्रत परना समय में भोजन करके खोलना चाहिए। परना करने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं, इसीलिए हर किसी को व्रत सिर्फ परना के समय ही करना चाहिए। वैष्णव समाज में ये नियम कुछ अलग होते हैं, क्योंकि परना का समय अलग अलग होता है, साथ ही साथ एकादशी की तिथि भी कई बार अलग अलग होती है। ये जरूरी होता है कि एकादशी का व्रत परना समय में द्वादशी तिथि के पूरा होने से पहले ही खोला जाए। उपवास परना समय में न खोलना एक अपराध की तरह है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एकादशी और भगवान कृष्ण के महत्व के बारे में।
अगर आप इस विषय में अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक टोटके के साथ। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भाग्यशाली टोटके को और बेल आइकन को दबाएं रोचक और भाग्यशाली टोटकों से जुड़ी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।